कोरिया जिले में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा पूरे प्रदेश में 175 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक नवजोड़े शामिल हुए और साथ ही शासन के द्वारा उपहार स्वरूप 25,000 रुपए जोड़े पर खर्च करते हुए विवाह को संपन्न कराया गया। महिला बाल विकास अधिकारी मनोज खलको ने बताया कि शासन द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बैकुंठपुर में 175 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें बैकुंठपुर से 35, खड़गवा चिरमिरी से 65, भरतपुर से 25, मनेंद्रगढ़ से 50 जोड़े मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत शामिल हुए, जहां उन्होंने शासन द्वारा उपहार में 25,000 रुपए प्रति जोड़े पर खर्च करते हुए विवाह को संपन्न कराया, जिसमें महिला बाल अधिकारी, पंचायत अध्यक्ष सौभाग्यवती सिंह कुसरो और SDM मौजूद रहे। शासन द्वारा चलाई जा रही योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आज बैकुंठपुर में संपन्न होने जा रही है। जिले में कुल 175 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है सभी विकास खंडों में, जिसमें अपने बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में 35 जोड़ों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। मैं जिले के सभी 175 जोड़े और बैकुंठपुर के हमारे 35 जोड़े वर वधु को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ, साथ में परिवारजनों को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। स्टाफ क्लब में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, इसमें 35 जोड़ों का विवाह आज संपन्न होना है। सर, ये जोड़े कहाँ से आए हैं? ये है बाल विकास परियोजना बैकुंठपुर क्षेत्र के हैं। तो सर, इसमें इन लोगों को क्या क्या कुछ कुछ सामान भी दिए जा रहे हैं? हाँ, उपहार सामग्री है इसमें। जी, क्या क्या है सर सामान में? इसमें सामग्री में है अलमीरा है, एंगल रेक है, पेटी है और बर्तन वगैरह है इसमें। क्योंकि मुख्यमंत्री योजना के तहत शादी हो रही है बच्चियों की, तो ये कोरिया जिले में किस किस ब्लॉक में हो रही है? आज दिनांक 27/2/2021 आज की दिनांक में बाल विकास परियोजना बैकुंठपुर में 35 जोड़ों का और खाड़गांव चिरमिरी में 65 जोड़ों का है और मनेनगढ़ में 50 जोड़ों का है। कुल 175 जोड़ों का आज विवाह है।